स्वागत आ किसान वीरो तुहाडा सदिक डेयरी फार्मिंग दे विच। किसान वीरो अज जिहड़ी वीडियो बना रहे हैं पिंड नवां किला, यह पिंड फरीदकोट जिले का, तो फरीदकोट तो सुखनाले वाली सड़क के उत्ते दोस्तों ये पिंड आउंदा। जिहड़े घर चों वीडियो बना रहे हैं भाई व्यापार का काम करदा, तो इहदे कोल ज़्यादातर गावां ते नाल मझां भी विक्री वालियां आउंदियां रहिंदियां। अज की जी वीडियो रहेगी दोस्तों वेद एक मझ जी के थले तैयार दुध थोनू मिलेगा, जिन्ना दुध दो बाई दस दूगा कट्टी ये दिसदी है। ये तो बिना तीन गावं दोस्तों विक्री वाली आप गलबात करा बाई देडियो एंड तक देखियो, थोनू जोड़ा नग चंगा लग्या वो तुम पशु खरीद सकते हो, तो तसली करना थोड़ा हक है। आओ शुरुआत करिए दोस्तों एक टॉप की वहड़ तो उदू बाद एक करके थोनू मझ तक चारे नग दिखाऊंगा। मिलते हैं भाई डिप्टी भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई। सारे डिप्टी भाई तीन गावं ते एक मझ दिखावांगे। हां जी भाई। पहले नंबर ते गां कनमा सूआ है, की डिटेल है? ये पहला सूआ जी, प्लेट दी खोदा है ते 4116 तो गबना जी। 4116 दा सीमन लगा। हां जी। अच्छा दंदो किवें डिप्टी भाई? दो दंद है जी। दो दंद। हां जी। दिन किन्ने लाऊ सून च? ये 29 तारीख नूं 9 महीने पूरे हुंदे है जी। 29 तारीख नूं, अज 26 हो गई है। अज 26 हो गई जी। ठीक है। अच्छा भाई की रेट रख दो इहदा? इहदा 195 जी। खोल्यो नूं। सो दोस्तों प्लेट दे सीमन दी है ते 4116 तो गबन है, दो दंद, बहुत वड्डे कद काठ दी वैड है, टॉप दी ब्रीड, चंगे सीमन दी ते चंगे सीमन तो अगे गबन है, हवाना फिक्स है खुचा तो उत्ते है, 1,95,000 रेट है, हाइट लेंथ फुल है। सो दो दंद मूँह दे विचों, वैसे तुहानू चेहरे तो भी दिसूगा दसो ये दंदा दे विच वच्छी है। थन दा सहज सोहना है, दुध देने चंगा देना क्योंकि चंगे कद काठ च पहला सूआ करम वाली सू रही है। बई अगे होर कड़ा दो डिप्टी भाई। हाँ इधर नूं तोर लो फिर। सो लत्तां पूरियां खोल के तुरदी है, फसिया विया हवाना इस टाइम पूरा इहदा जिहड़ा ओह लत्तां दे सन च, मजबूत ढांचे की वैड, दो दंद मूँह दे विचों। सो छोटी उम्र दे विच पहला सूआ सोहनी है, चंगे फार्म की ब्रीड दिसदी है। सो ये पहले नंबर ते वैड। कमाला भाई 4116 तो ये इस टाइम गबन है, तो प्लेट बुल दी है वच्छी, दो दंद मूँह दे विचों। ये पहले नंबर ते वैड है। इस तो बाद जी दो नंबर ते वैड है, दसो थोड़ी कच्ची त्या ड्यूटी भाई, जी दो नंबर ते वैड है ये कनवा सू है? ये दूजा सू है। सुनदी किन्ने क दिन लोग भाई सून च? ये 10-12 दिन बाकी है जी बस। इहदी सीमन दी डिटेल को पता? ये 4116 दी है जी, ते 2193 तो जर्मनी दे तो गबना है। 2193 तो गबना 4116 दी आप? हां जी। ठीक है। पहले सू 28-30 किलो दुध पाया जी ने। दिन हुण किन्ने क ले जूगी? दिन उन्होंने कल 12-13 दस्या सीगा जी, अज कल साडे कोल आई, अज इक होर कट के 11 रह गए सब। ठीक है। की रेट रहूगा इहदा? खोली भाई। सो दसो 4116 की है, तो 2193 तो गबन है, दूजा सूआ इन्हें सूना है, वजन यदा भी काफ़ी चंगा है, यदा रेट फोन पर क्योंकि अजे कच्ची है वैड, जो तैयार हो जाती है तो जजमेंट हो जाती है पशु विकू कि व्यापार का काम है। दसो खरीदिया हुई वैडा है, इन्हों के रिस्क लेने हैं, पहला खरीदन लग्या तो उदू बाद कमाई होनी है, उन्होंने ध्यान च रख के रेट आपकी मर्जी ना अगला करता लिया भाई। हजे कच्ची वैड है पर जिन्हों यदि ब्रीड क्वालिटी यदा ढांचा पसंद आता कॉल कर लियो जे, रेट भाई थोनू फोन के उत्ते दस दूगा। सो ये फार्म की वैड है, दसो दूजा सूआ की इन्हें सोना, बहुत सोहना ढांचा, तो ये इदा के स्ट्रक्चर रेंदे भी जेडे बुढ़े नहीं होंगे। सो दसो ये खुली फिरदी बाई लैके आया फार्म के जिदे करके रस्से का थोड़ा जा पशु करता रहा, क्योंकि जितिया गावं खुलियां रहा फार्म च तो खुलियां रहना ही पसंद कर दें। दूजा सूआ बहुत सोहनी वैड है, ब्रीड वाइज भी ढांचे वाले पक्ष तो भी। सो दो गावं थोनू दिखाती हैं,
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਡ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਆਈ ਜਾਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਸੇ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲਊਗੀ? ਦਿਨ ਇਹ 5-7 ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਦੇ। ਕੀ ਰੇਟ ਰਹੂ ਭਾਈ? ਰੇਟ ਇਹਦਾ 1,45,000 ਤੋਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ 1,45,000 ਰੇਟ ਹੈ। 4 ਦੰਦ ਸੂਆ ਪਹਿਲਾ, ਬਰੀਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡਾ, ਹਵਾਨਾ ਫਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਖੁੱਚਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਰੂਗੀ ਚੰਗਾ ਹਵਾਨਾ। ਥਣਾਂ 'ਚ ਬਿੱਥੀ ਬੁੱਥੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ 1,45,000 ਹੈ। ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਰੱਖਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਢਾਂਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਦੰਦ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੈੜ ਆਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਨਵਾਈਆਂ ਧਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਚਮਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੱਛੀ 2 ਦੰਦ ਦਾ ਸਿਰਫ, ਅਜੇ ਹਾਈਟ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰਜੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਗਾਵਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਡਿਪਟੀ ਭਾਈ? ਇਹ ਸੂਈ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਈ ਰਾਤ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਈ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ। ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 15 ਕਿਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 15 ਕਿਲੋ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ। ਕੀ ਰੇਟ ਰਹੂ ਬਾਈ ਇਹਦਾ? 1,25,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਦੱਸੋ 1,25,000 ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 15 ਕਿਲੋ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਈ ਹੈ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਚੰਗੇ 'ਚ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਢਾਂਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਕੱਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤ ਕੱਟੀ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮੱਝ ਨੇ। ਹਵਾਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। 1,25,000 ਦੀ ਮੱਝ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੁੱਧ 15 ਕਿਲੋ ਚੋ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਟਾਈਮ ਚੋਲੋ, 3 ਟਾਈਮ ਚੋਲੋ, ਤਿਆਰ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੁੱਧ 18 ਕਿਲੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਜੂਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੱਝ, ਅਤੇ ਮੱਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਗਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 4 ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।